गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज रक्षाबंधन है, आप लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बीते। हम मेरे पूरे YouTube फैमिली को मेरी तरफ से, हमारी तरफ से रक्षाबंधन का बहुत बहुत बधाई हो। तो आज अभी दिन है सुबह का, तो सुबह का 9:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग तैयार पूरा हो गए हैं। और मैं बार बोल रही हूँ, एक्चुअली तैयार हो गए हैं। अभी राखी का सेरेमनी स्टार्ट होगा एक्चुअली, और सेरेमनी तो कुछ होने वाला है नहीं। मैं गणेश जी को राखी बांधूंगी और पूजा करूंगी, हर साल ही मैं यही करती हूँ। मयंक अभी रेडी नहीं है, अभी वो बैठा हुआ है, तो उसको रेडी करूंगी मैं। तो फिर मम्मी मयंक को राखी बांधेगी और उसके बाद हम लोग चलेंगे मंदिर दर्शन के लिए। ये है मेरा राखी का थाली जो मैं भगवान जी को अभी राखी बांधने वाली हूँ। यही वाला राखी है जो मैं बांधने वाली हूँ। स्वीट है ना, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा सच मेरा कोई भाई है नहीं, तो मैं अकेली हूँ, तो रक्षाबंधन हम लोग उतना धूमधाम से नहीं मनाते हैं, आम दिन का तरह ही होता है। कोई पूजा पाठ भी घर में नहीं रखते हैं, तो मन का शांति के लिए मैं गणेश भगवान जी को राखी बांध देती हूँ और मयंक को मम्मी राखी बांध देती है। और मेरा जो कज़िन ब्रदर है वो कोलकाता में नहीं रहते हैं, कोलकाता के बाहर उसका जॉब है, तो वो बाहर ही रहते हैं। और एक ब्रदर है जो वो भी यहाँ नहीं रहते हैं, मतलब वो आ सकेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। वो बोला है कि तुम लोग मंदिर जाओगे तो वहाँ हम पहुँच जाएंगे, राखी बनवा लेंगे, आप आएगा तो उसके साथ मेरा राखी वहीं हो जाएगा और नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ मैं सुबह सुबह भगवान जी को ज़रूर राखी बांध देती हूँ और आम दिन का तरह ही रेगुलर बेसिस में जैसे दिन कटता है, तो आज का दिन भी कुछ तामझाम मेरा नहीं होता है। आई एम नॉट सो लक्की कि जिन लोग का भाई है बहुत तामझाम होता है उनका घर में, मेरा घर में उतना कुछ नहीं होता है। मैं बस, मेरा राखी ऐसे ही बीतता है हर साल इसी तरह से, भगवान जी को राखी बांध के। एटलीस्ट गणेश भगवान जी मेरे साथ है तो उनको ही मैं भाई मान के राखी बांध देती हूँ सुबह सुबह, मन का तसल्ली मिल जाता है। और यहाँ पे मम्मी मयंक को कर रही है राखी, क्योंकि मयंक का भी कोई सिस्टर है नहीं, तो मयंक का बहुत मन है राखी बंधवाने का, बहुत ही शौक है। तो मम्मी एज ए नानी, एज इन उसका नानी, तो मम्मी उसको राखी बांध देती है हर साल, यही मम्मी करती है। क्यों, और मयंक बड़ा खुश हो जाता है राखी बांध के कि उसका नानी उसको एटलीस्ट राखी बांध देता है। तो वही सब चल रहा है, थोड़ा सा दुखी हूँ लेकिन अच्छा भी लग रहा है। एनीवेज चलिए मयंक का राखी सेरेमनी करते हैं, फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। हम लोग अभी रेडी हो गए हैं, तो मंदिर के लिए तैयार हो गए हैं, मंदिर जा रहे हैं। तो घर का सारा काम हो गया है, घर का पूजा पाठ लिपट गया है। ये देखिए मयंक को, मयंक भी रेडी हो गए हैं। तो इटिका कहाँ गया? तो ये पोछ दिया है, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये जाएगा। और मैं साड़ी पहन चुकी हूँ, आप देख सकते हो, सिंपल सा साड़ी पहनी हूँ मैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो चलिए वहाँ चलते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, अभी अभी हम लोग मंदिर से घर आ चुके हैं। और घर आने के बाद एक्चुअली वहां पे जो हम लोग गए थे बहुत अच्छा से दर्शन हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि वहां पे जाते ही मैं इतना बिजी हो गई थी। और दूसरा बात है कि भाई मेरा वहां पे आ नहीं पाया आज, जो मैं आप लोगों को दिखाऊं रक्षाबंधन। भाई को मैंने कॉल किया था तो भाई बोले कि जे, एक्चुअली मैंने कॉल उनको नहीं किया था, मैं रस्ते में थी तो भाई मुझे कॉल किया था। उसके बाद
जब वहां पहुंची मैं देख के मैं उनको कॉल किया तो वो बोले कि उसको कुछ इमरजेंसी काम के लिए जाना पड़ा तो वो रात को यहाँ आएंगे। अगर आते हैं तो मैं आप लोगों से जरूर मिलवा दूंगी और रक्षाबंधन जरूर शेयर करूंगी जैसे शुभम में मैंने शेयर किया था। और मेरा एक भाई जो बाहर रहते हैं उनसे भी मेरा बात हो चुका है, लेकिन 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 हम लोग जब घर आ रहे थे वापस तो कुछ दोस्तों का फोन आया कि वो लोग घर आने वाले हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बाहर से कुछ मंगाया जाए, उससे अच्छा घर ही में कुछ बना लेती हूँ। तो मैं आज सोच रही थी कोलकाता स्टाइल एक चिकन रोल बनाऊंगी सबके लिए, मेरा घर में तो ये बहुत फेमस है, तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, तो आप लोग देखिए कि आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आ गई हूँ किचन में, अभी मैं फटाफट बनाने वाली हूँ अपने लिए एक जबरदस्त कॉफी, उसके बाद थोड़ा एनर्जी बिल्डअप करूंगी और आऊंगी किचन में बनाने एक चिकन रोल और रेसिपी आप लोगों के साथ जरूर मैं शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पे ले लिया है चिकन, चिकन पहले से मैं धो के वॉश करके रखी थी, अब मैं उसमें डाल दूंगी एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और उसके साथ ही मैं डाल दूंगी एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने और इसके साथ मैंने डाला गरम मसाला पाउडर और उसके साथ ही मैंने डाला ऑयल, 4 टेबलस्पून ऑयल मैं लगभग यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं सफोला गोल्ड यूज़ कर रही हूँ, बट ये सफोला गोल्ड का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं घर में वही यूज़ करती हूँ। तो मैं ये अच्छे से मिक्स्ड कर लूँगी और मिक्स्ड करने के बाद इसके साथ में डालूँगी 2 चम्मच दही। ये घर में जमाया हुआ दही है, आप चाहे तो बाज़ार से कोई भी कर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये खट्टे दही है। अब मैं हाथ का मदद से इसको अच्छे से मिक्स्ड कर लूँगी, लेकिन मैं इस स्टेज में नमक ऐड नहीं करूँगी और उसके साथ ही मैं मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए लीड लगा के रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दूंगी। तो 1 घंटे होने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब मैं ले लूंगी गेहूं का आटा, आप चाहे तो मैदा यूज़ कर सकते हैं जो फ्लावर है, मैं गेहूं का आटा यूज़ करती हूं और उसके साथ मैं नमक और शुगर ऐड कर रही हूं और उसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूं मेल्टेड घी। मेल्टेड घी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि गेहूं का आटा मैं यूज़ कर रही हूँ और गेहूं का आटा के संग अगर घी आप यूज़ करें तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जो पराठा होता है ना वो पराठा थोड़ा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, मतलब मुंह में घुल जाने वाली होता है। तो घी आप अपना हिसाब से क्वांटिटी लेके यूज़ कीजिए क्योंकि घी कैसे आपको समझना चाहिए, मायान जो बोलता है वो आप कितना दीजिएगा। जब आप मिक्स करें ना सूखा फ्लावर या सूखा आटा आप मिक्स करें घी के साथ, तब ना आपको मुट्ठी में बांधना चाहिए, ऐसे मुट्ठी में आ जाना चाहिए, बन जाना चाहिए सूखा आटा। तो उस तरह से आप घी एडजस्ट करके यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे मिक्स कर ली हूँ और करने के बाद मैं यहाँ पे आटा को मिक्स करूँगी गुनगुना गर्म पानी से। तो आटा मैं लगा लूँगी गुनगुना गर्म पानी से। गुनगुना गर्म पानी होने से आपका हेल्प क्या हो जाएगा कि आटा बहुत सॉफ्ट तैयार होगा, सॉफ्ट डो तैयार होगा, आपको सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लूँगी। ऑयल का हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आटा ऊपर से सूखने का चांसेस रहता है। तो मैं यहाँ पे ऑयल डाल दिया, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं डाली हूँ क्योंकि आटा सूखे ना ऊपर से, सूखने से ना थोड़ा पपड़ी हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैं आटा को देखिए पीछे के तरफ इसको फोल्ड करके इस तरह से मैं रख दूंगी रेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इसको रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ऑयल का हाथ लगाने के बाद। तो इसको मैं ढक दूंगी और 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी।
मीनवाइल मैंने यहाँ पे अपना कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ और मेरा ये 1 घंटा हो गया है, रेस्ट हो चुका है चिकन। अब मैं जो ऑयल मेरा गर्म हो गया है, ऑयल में सारा चिकन मैं डाल दूँगी। और हाँ, बाय द वे, फ्लेम यहाँ पे मैं हाई करके डाल रही हूँ, लेकिन बाद में मैं फ्लेम इसको मीडियम टू लो फ्लेम रखूँगी जब तक ये चिकन ना पक जाए। तो चलिए, कढ़ाई में तो सारा चिकन मैं डाल दी हूँ और फ्लेम मेरा मीडियम टू लो है और इसको ढक के मैं पकाऊंगी जब तक चिकन आधा सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए, यहाँ चिकन हो रहा है, यहाँ पे मैं ऑनियन कट कर लूँ। ऑनियन मैंने पहले से धो के रख चुकी थी, तो इसको मैं जूलियंस में कट कर लूँगी क्योंकि जूलियंस में ही मुझे इसका ज़रूरत है। तो इसका लच्छे मैं खोल लेती हूँ हाथ से, थोड़ा सा लच्छा खोलना भी ज़रूरी है हाथ से। तो कटने के बाद ये देखिए, लच्छा मैंने पूरा खोल लिया है, कितना अच्छा से कट हुआ है। अब चलिए चिकन के तरफ चलते हैं। देखिए, चिकन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत भुन चुका है, इसका ऑयल थोड़ा रिलीज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। बाय द वे, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, हिमालयन पिंक सॉल्ट। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं घर पे यूज़ करती हूँ, मैं वही बता रही हूँ। और उसके साथ में ऐड कर चुकी हूँ 1 चम्मच चीनी। अब इसको एक अच्छे से स्टार दे दूँगी क्योंकि स्टार देना ज़रूरी है, मिक्स्ड हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। तो मिक्स्ड मैंने कर दिया है। तो देखिए, मेरा चिकन बहुत सॉफ्ट हो गया, देख रहे हैं, मेरा चम्मच से ये कट जा रहा है, ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये कैसे कट गया, बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो मेरा चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इसको लिड लगा के अभी छोड़ दूँगी, बाकी का वेजिटेबल्स भी तो कट करना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं कैप्सिकम भी सेम प्रोसेस में लच्छे हिसाब से मैं कट कर लूँगी। आपको थोड़ा जूलियंस बड़ा लगे तो आप बीच से भी कट कर सकते हो। देखिए मैं कैसे बीच से इसका कट लगा लूँगी क्योंकि ये थोड़ा बड़े बड़े लच्छे निकल रहे हैं, पकने में थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाएगा। तो ये बीच का भी मैं हटा देती हूँ, देखिए ऐसे करके 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर ले रही हूँ क्योंकि लच्छे थोड़े से बड़े हो गए थे ना। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी कट कर लूँगी। तो मेरा सारा कैप्सिकम देख लीजिए कट हो चुका है और ऑनियन भी मैं कट कर चुकी थी। अभी खीरा का टाइम है, वो भी मैं कट कर लूँगी वैसे ही सेम जूलियंस में। आप चाहे तो दूसरा शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ये लंबे लंबे स्टाइल में कट करना पसंद आता है। सब एक ही स्टाइल में लंबे लंबे, थोड़ा लच्छेदार होगा सब, तो खाने में भी अच्छा लगता है, एक्चुअली दिखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, जब तक मैं सब्जी कट कर रही थी, यहाँ पे मेरा चिकन ठंडा हो चुका है। इसको मैं फिर से गैस ऑन कर दे रही हूँ, थोड़ा सा गरम करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ये जो गरम हो गया ना चिकन, इसमें मैं हाई हीट में ये जो ऑनियन में कट करके रखी थी वो ऑनियन मैं आधा इसमें डाल दूँगी और उसके साथ मैं कैप्सिकम डाल दूँगी और इसको एक ज़बरदस्त स्टार फ्राई देंगे, मतलब हाई फ्लेम में इसको स्टार फ्राई करेंगे और कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये जो कैप्सिकम और ऑनियन का स्वाद है ना, ये पूरा चिकन में अभी खिल के आएगा, तो इसलिए स्टर फ्राई देना ज़रूरी है। तो चलिए, हो गया है मेरा यहाँ पे कंप्लीट। तो ये है स्टफिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। अब गैस ऑफ करके इसको लिड लगा के चलिए अब पराठे के तरफ चलते हैं। तो मेरा यहाँ पे आटा 30 मिनट्स के लिए रेस्ट हो चुका है। देखिए आटा कितना फुल गया है, विदाउट बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, तो इसको मैं इसका गोल गोल लोई बना लूँगी इस तरह से, आप देख सकते हैं, इतना बड़े, थोड़ा बड़े बड़े लोई बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हो गया है मेरा लोई। तो सारे मैंने तैयार कर लिया आटा। अब मैं क्या करूँगी,
इसको थोड़ा गेहूं का आटा लगा के ही थोड़ा सा शेप दे देंगे, गोल गोल शेप दे देंगे। बाय द वे ये रोल का लच्छा पराठा से भी आप बना सकते हैं, जो रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ लच्छा पराठा का रेसिपी। लेकिन मैं आज लच्छा पराठा तो बनाऊंगी लेकिन थोड़ा दूसरा स्टाइल में, मतलब कोलकाता में रोल स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने ऑयल स्प्रेड कर लिया है और उसके साथ मैं स्प्रेड करूंगी थोड़ा सा गेहूं का आटा इसके ऊपर में, क्योंकि लच्छा पराठा ही बनेगा लेकिन दूसरा स्टाइल में, कोलकाता में जैसे रोल बनता है लेकिन प्रोसेस तो एक ही है ना। तो इसको बीच से एक कट लगा लूंगी और बस इसको इस तरह से गोल गोल घुमा लूंगी। अब देखिए कितना इजी है ना, ये प्रोसेस बहुत ही इजी है बनाना। एक घंटे में पूरा परिवार के लिए बन जाएगा, घर में कोई आने वाला हो आपका तो बहुत ही झटपट बन जाता है, खाली हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलना चाहिए। तो इस तरह से मैं बना लूंगी और इसका जो एंड पोर्शन है इस तरह से इसके अंदर मैं प्रेस कर दूंगी, लाइक लच्छा पराठा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। एक्चुअली कोलकाता का जितना रोल शॉप है ना, इस तरह से ही सब बना के रखता है लच्छा पराठा, मतलब रोल का जो लोई होता है। तो मैंने सब बना लिया है, अब चलिए एक एक करके पराठा बेलना स्टार्ट करें। तो मैं पहले क्या करूँगी कि एक ले लूँगी और उसको मैं हाथ का मदद से प्रेस कर दूंगी। देखिए हो गया ना, इसका लच्छा दिख रहा है ना। तो चलिए इसको अब शेप दे देते हैं, गोल गोल शेप, जिस तरह से लच्छा पराठा का हम शेप देते हैं गोल गोल, उसी तरह से। यहाँ पे मैं अंडे का तैयारी कर लेती हूँ। अंडा मैंने फोड़ लिया है, इसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल दूंगी और इसको अच्छे से फेंट लूंगी, क्योंकि जब मैं तावा में सेकूंगी तब अंडे का तैयारी करने का टाइम मुझे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा तावा गर्म हो चुका है, उसमें मैं पराठा डाल दी हूँ। तो एक साइड से सेकने के बाद मैं दूसरा साइड में इसको सेक लूंगी और ऊपर में इस साइड में मैं ऑयल लगा दूंगी। ऑयल थोड़ा अच्छे से लगाइएगा क्योंकि रोल सीखना भी बहुत जरूरी है। तो इस साइड में भी ऑयल में लगा दूंगी। तो ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेस कर करके साइड साइड से, कच्चा ना रहे उस हिसाब से आप इसको सेक लीजिए। और इसका फ्लेम जरूर से मीडियम टू लो फ्लेम रखिएगा, मम्मीज हाई फ्लेम मत कीजिएगा, नहीं तो ये पराठा जो है ना जलने का चांसेस रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट पराठा निकल के आएगा और क्रिस्पी आपको यहाँ पे लग रहा है, जब बन जाएगा ना तब क्रिस्पी नहीं लगेगा उतना, तो बहुत ही सॉफ्ट लगेगा। तो मैं एक साइड में जो अंडा मैं रखी थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और थोड़ा सा इसको चारों ओर से अंडा स्प्रेड करने के बाद मैं अब देखिए पराठा मैं कैसे पलटती हूँ। इस तरह से मैं पराठा एकदम दुकान स्टाइल में पलट दी हूँ। तो देखिए कितना अच्छा ऊपर से देखने में लग रहा है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। मेक श्योर ये अंडा अंदर से पूरा पूरी तरह से पक जाए, कच्चा ना रहे, क्योंकि ये नहीं तो कच्चेपन का एक स्मेल आएगा। तो चलिए मेरा ये हो गया है, अब अंदर स्टफिंग कर लेती हूँ मैं, जो चिकन मैं बना के रखी थी ऑनियन और कैप्सिकम के साथ, तो मैं वो डाल रही हूँ। उसके ऊपर से जो ऑनियन में आधा बचा के रखी थी वो आधा ऑनियन, उसके साथ जो खीरा मैंने काटा था वो मैं डाल दी हूँ और हरी मिर्च मैं कुछ काट के रखी थी वो भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं आपका टेस्ट का अकॉर्डिंग। और मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस, आधा नहीं थोड़ा सा ही नींबू का रस मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहे तो टमाटो केचप, सोया सॉस, चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डाली हूँ चाट मसाला और उसको मैं अभी रोल कर लूँगी। देखिए ऐसे रोल करने से नहीं होगा, अब मैं एक बटर पेपर लगाऊंगी और बटर पेपर लगाने के बाद बटर पेपर में उसको रोल कर दूंगी। तो लग रही है ना एकदम कोलकाता स्टाइल एक चिकन रोल, आपको मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा एक
एकदम दुकान जैसा लग रहा है, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, तो मैंने सारे रोल्स मैंने बना लिए। तो इन दिस सीजन आप ये रोल जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए, मेरा रेसिपी पसंद आया, तो एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग। तब तक के लिए मैं रोल एंजॉय करती हूँ अपना फ्रेंड्स के साथ, आप भी बनाइए घर में, एंजॉय कीजिए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।